लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी रंग दिखने लगते हैं, प्रत्याशी और उनके परिवार का अलग अंदाज देखने को मिलता है। और ऐसा ही एक अंदाज देखने को मिला है शिवपुरी गुना लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया और उनके बेटे का। रिपोर्ट देखिए। कहीं दीवारों पर लेखन तो कहीं चूल्हे पर बनाई रोटी, कहीं महारानी ने हाथों से बनाई रंगोली, कहीं जमीन पर बैठकर खाना खाते दिखे युवराज। ये रंग लोकसभा चुनाव का है, जहां महलों की रानी गांव गांव और गली गली में कुछ इस तरह प्रचार कर रही हैं। गुना सीट पर सिंधिया परिवार कुछ इसी तरह मेहनत कर रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी से चुनावी मैदान में हैं और उनका पूरा परिवार जीत के लिए मैदान में उतरा हुआ है। पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया और उनके बेटे महा आर्यमन के अलग अलग रंग और जुदा अंदाज देखने को मिल रहे हैं, जो शायद इस इलाके की जनता के लिए किसी सपने से कम नहीं है। प्रियदर्शनी राजे सिंधिया पिछोर के काली पहाड़ी गांव पहुंची थी। इस दौरान एक कच्चे मकान में पहुंच गई। यहां दो महिलाएं चूल्हे पर रोटियां बना रही थी तो प्रियदर्शनी राजे भी खुद को रोक नहीं पाई और चूल्हे के पास रोटियां बनाने बैठ गई। इसके बाद अशोकनगर के भैंसा गांव में प्रियदर्शनी राजे का जुदा अंदाज देखने को मिला, जहां उन्होंने पीएम आवास योजना की लाभार्थी महिलाओं के साथ रंगोली बनाई। उन्होंने अपने गले की माला उतारकर रंगोली को सजाया। करीब दो घंटे आदिवासियों के बीच बिताए। प्रियदर्शनी लोगों के बीच पहुंचकर उन्हें अपना बना रही हैं, तो प्रचार के लिए दीवार लेखन करने से भी नहीं चूक रही। भैंसा गांव में उन्होंने दीवार लेखन भी किया और लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। प्रियदर्शनी राज्य के अलग अलग अंदाज देखने को मिल रहे हैं, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महा आर्यमन सिंधिया भी अपने अलग अंदाज लोगों के दिलों में जगह बना रहे हैं। कोलारस के राजौदा में महा आर्यमन सिंधिया ने एक आदिवासी के घर जमीन पर बैठकर खाना खाया। घी लगी गर्मा गर्म रोटियां और धनिया की चटनी खाकर महा आर्यमन तारीफ करते नहीं थके, तो ग्रामीण भी उनके अंदाज के कायल हो गए। ये चुनाव गुना की जनता के लिए बेहद अलग है, क्योंकि पूरा सिंधिया परिवार उनके बीच पहुंच रहा है और सिंधिया परिवार के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। ये वो अंदाज है और ये अंदाज महल से गली मोहल्लों का नया रिश्ता कायम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज़।